बीरगांव में बीते दिनों सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी की कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद भी हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे पर एफआईआर की मांग को लेकर खमतराई थाने पहुंच गए और वहीं भिड़ गए। सामने विधानसभा चुनाव है, सियासत इस पर शुरू हो गई। कांग्रेस ने सांसद सुनील सोनी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर चुनाव के समय चुनावी हिंसा को दिशा देने का आरोप लगाया है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि यह भविष्य की झलक है कि कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार शांत छत्तीसगढ़ में चुनाव को अपराध और हिंसा की दिशा में ले जाने का षड्यंत्र रच रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को पश्चिम बंगाल बनाने का प्रयास करने की बात सांसद ने कह दी है। यह पूरा बवाल चल रहा है जहां हिंसा के आकोश में कहीं ना कहीं एक तरीके से छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव जाता दिख रहा है। शब्द अच्छा नहीं है लेकिन जो घटना घटी है इसलिए शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि युवक कांग्रेस के जो एक गुंडे का रूप लेकर उस सभागृह के अंदर में घुस गए, हमारी बच्चियों के टेबल के ऊपर में खड़े हो गए, पहले अभद्र गालियां देके घुसे, उसके बाद वहां पर भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा जी, पंकज शर्मा जी के नाम से नारा लगाया। 200 बच्चियां बैठी थी, उनका डर देख मैं देख रहा था, उनका चेहरा देख रहा मैं देख रहा था कि डर क्यों नहीं रहे। उन बच्चियों को तो मैं बहुत छोटी है लेकिन फिर भी प्रणाम कर रहा। एक छात्र एक छात्रा वहां से एक जन नहीं उठे और उस दृश्य को जब मैं देखकर मैं मेरे को उठना पड़ेगा। तो ये तो बीजेपी का एंगल हो गया। तो इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने सांसद सुनील सोनी पर ही सवाल उठाते हुए ये पूछा है कि युवा कांग्रेस के लोगों ने कब कब दंगे किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस की लोकप्रियता से तिलमिलाकर चुनाव में हार का परिणाम सोचकर घबरा रही है, इसलिए कांग्रेस की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। संसदीय क्षेत्र की जनता ने सांसद के रूप में चुना है, आपको यदि अधिकार दिया है जनता ने तो इन युवाओं का भी यह हक बनता है कि उस अधिकार के बदले आपसे सवाल करें। लेकिन दुर्भाग्यजनक देखिए कि अपने ही क्षेत्र के अपने ही संसदीय क्षेत्र के इन नौनिहाल बच्चों को, इन युवाओं की आवाज़ माननीय सांसद महोदय को नागवाद पहुंची। अब बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, इन बच्चों को गुंडे बता रहे हैं। इन मासूम बच्चों ने जो उनसे सवाल खड़ा किया उनको बदमाश, गुंडे, असामाजिक तत्व, न जाने क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। जबकि हकीकत यह है कि ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अभद्रता माननीय सुनील सोनी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप सबको याद होगा कि सांसद के रूप में किस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को उन्होंने फोन में गाली गलौज किया था, सारा वीडियो वायरल हुआ था। एक तो एक्सीडेंटल सांसद हैं, आज तक सुनील सोनी जी को बताना चाहिए कि कितने गांवों का दौरा किया है, क्या क्या विकास कार्य किया है। तो बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए अब नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपनी अपनी लोकप्रियता के गाल बजा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर शक्ति प्रदर्शन करने का परिणाम क्या होगा। यह समय के गर्त में, पर कुल मिलाकर तस्वीरें ऐसी हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही दल महायुद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। अब इस महायुद्ध का नतीजा क्या होगा, विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है और छत्तीसगढ़ में बवाल मच चुका है। एक तरफ NSUI यानी कि कांग्रेस है और दूसरी तरफ है बीजेपी। जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है और कुल मिलाकर अगर इन तस्वीरों को शॉर्ट फॉर्म में कहें, अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही दलों के बीच महायुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं और बवाल पूरे जोर पर है। अब इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से राहुल टिकारिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं
और NSUI यानी कांग्रेस से शालिनी रामटेके जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा सवाल है पहला वो बीजेपी के लिए है, राहुल जी आपके लिए। राहुल जी, लगातार आप लोग पिछले दो दिनों के प्रकरण के बाद लगातार आप लोगों की तरफ से एलिगेशन ये लगाए जा रहे कि पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें देखने को मिलती थी विधानसभा चुनाव से, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के राह पर छत्तीसगढ़ भी चलता चला जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है राहुल जी, जरा इसे डिटेल में समझाइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और सांगिक संगठन है, चाहे NSUI हो चाहे युवा कांग्रेस हो, अमर्यादित और असंगठित रूप से प्रदर्शन करने का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। प्रदर्शन करने का भी, विरोध करने का भी एक लहजा होता है जिसे ये हर बार लांघते हैं। और आप देखिए, कॉलेज का मामला था, महाविद्यालय का मामला था, वहां पे सांसद सुनील सोनी जी आए हुए थे, वो अपने बातों को रख रहे थे, लेकिन उन्हीं के सामने, उनकी बातों के सामने हल्ला गुल्ला किया गया, उनको बात नहीं करने, बात नहीं रखने दिया गया। और तो और सांसद जी को स्वयं उनसे बातचीत करना पड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला वो हॉल से वो बाहर निकले कार्यकर्ता। मगर आप देखिए, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत का प्रतिनिधि हूँ बेमेतरा में, और 3 साल से हमारे 15वें वित्त की राशि जो केंद्र सरकार की है उसे रोका गया। मगर अभी हाल के 20 दिन पूर्व में जब उप मुख्यमंत्री जी इन्हीं के पार्टी के आए, मुझे पुलिस प्रशासन को मैंने छगाते हुए 50 किलोमीटर दूर तक मैं कलेक्ट्रेट में भी घुस गया, तो उनके सभागार में भी घुस गया। मगर बकायदा मैं पुलिस प्रशासन को सहयोग करते हुए और शासन को सहयोग करते हुए एक पर अंदर रखा, एक पर बाहर रखा, और मैंने कहा ये काले झंडे, ये विरोध का मामला मुझे आप बात करने दीजिए। उन्हें मुझे बकायदा बात नहीं करने दिया गया। मगर मैंने संवैधानिक दृष्टिकोण से जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन के हाल के अंदर एक पैर रख के काला झंडा सौंप दिया। तो ये होता है विरोध, विरोध करना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी का मामला है, सत्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन होता है, मगर उसकी एक मर्यादा होती है, सुन लेना चाहिए था। उनके भी जनप्रतिनिधि हैं सांसद जी, उनके भी जनप्रतिनिधि हैं, सुनना चाहिए, उनको बात करने का मौका भी देना चाहिए। मगर इस प्रकार से जो असंवैधानिक रूप से और गलत अमर्यादित रूप से उनका, उनको बात नहीं कहने दिया गया और उनके स्पीच के बीच में ये विरोध प्रदर्शन हुआ, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था। चलिए ठीक है, ठीक है राहुल जी, जरा शालिनी रामटेके जी से भी इस पर जवाब ले लेते हैं, NSUI से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, लगातार बीजेपी एलिगेशंस ये लगा रही कि विरोध का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, विरोध के लिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र है, आप आजाद हैं किसी भी चीज को लेकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने में आप गाली गलौज करना क्या सही है? जैसे कि आरोप बीजेपी की तरफ से यह लग रहा है कि उस सभा के दौरान जहां कॉलेज के छात्र मौजूद थे, वहां पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने, जो छात्र थे, जो नेता थे, उनके तरफ से गाली गलौज तक किया गया विरोध प्रदर्शन के दौरान, क्या यह सही है? इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना क्या शोभा देता है? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आजकल के जो युवा है, पढ़ी लिखी है, जागरूक हो गई है, वो हमारे सांसद जी से कुछ सवाल करना चाहती थी। वो पूछना चाह रहे थे कि सर, आप कोरोना काल में तो हर समय मीडिया के सामने बयानबाजी करते थे, जब बात उनकी हेल्प की आई, सहायता की आई, तब उस समय आप कहाँ गायब थे? उनको जब एडमिशन के लिए, छात्रवृत्ति के लिए जब परेशानियां हो रही थी, तो आप कहाँ गायब थे? तो इस बात पे वो भड़क गए थे। ये जो गाली गलौज वाली बातें आई थी, ये उन्होंने ही शुरू किया था। वो स्टूडेंट को हमेशा उनके साथ धमकाते हैं, चमकाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट क्या होते हैं बताइए, स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, उनके मानसिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए, ना कि उनको एक उपाधि, सांसद साहब ने ये उपाधि दिया है गुंडा। गुंडा किसे कहा जाता है आप बताइए, ये कौन सा व्यवहार है? जब अपोजिट बीजेपी पार्टी वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को गुंडा कहती है, तो क्या विद्यार्थी देखते रहेंगे? इसके एवज में उन्होंने भी कहा था कि सांसद जी, आप पिछले चुनाव में तो आप नजर आते हैं, लेकिन उसके पहले आप नजर नहीं आते हैं, तो हमें इन हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो शालिनी जी, यानी कि आपके कहने का अगर मतलब समझा जाए, तो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए कि गाली गलौज हुई है, किसी तरह की कोई गाली गलौज नहीं हुई है। जब सांसद ने उन्हें गुंडा कह दिया, जब सांसद ने उन्हें गुंडा कह दिया, तो जो छात्र थे, जो NSUI के छात्र थे, क्या वो शांति से तब भी विरोध प्रदर्शन करते रहे? गाली गलौज किसी तरह की का अभद्र भाषा का इस्तेमाल वहां पर नहीं हुआ शालिनी जी? जी कहा था कि सांसद महोदय, आप हमें गुंडा किस आधार पर कह रहे हैं? हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या हमें सवाल पूछने का कोई भी हक नहीं है? क्या हमें अपनी बात रखने का कोई हक नहीं है? क्या हम सिर्फ वोट मांगने के ही काम आते हैं? तो इस एवज
चलिए ठीक है, जब जरा राहुल जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल जी, सीधे सीधे एनएसयूआई कांग्रेस ये कह रही है कि किसी भी तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ था, हमने बड़े ही सम्मान से कहा था कि साहब हमें गुंडा मत कहिए, तो क्या इतना कहना ये गाली गलौज की श्रेणी में आता है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर छात्र अपने हक की मांग कर रहे तो उन्हें गुंडा कह देना क्या सही है? देखिए राहुल जी, वहां पे जो कार्यक्रम हुआ था और जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था उसका बकायदा वीडियो रिलीज हुआ है और उस वीडियो में समझ में आ रहा है कि कौन गाली गलौज कर रहा है, कौन अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, कौन अमर्यादित रूप से भाषा का प्रयोग कर रहा है। और आपको ध्यान में होगा, अगर कोई भी संगठन, मैं भी छात्र राजनीति में 9 साल रहा हूँ, अगर मुझे कहीं पे प्रदर्शन करना होता है तो वीडियोग्राफी मैं करवाऊंगा, वीडियोग्राफी हमारे साइड से होगी क्योंकि हम प्रदर्शन करने वाले हैं, हम विरोध करने वाले हैं। और यहाँ पे भी वही हुआ, अगर सांसद जी ने गुंडा कहा तो उसका वीडियो कहाँ है जी? मगर अमर्यादित रूप से वीडियो पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, उसे भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता एनएसआई के द्वारा ही रिलीज किया गया कि हमने सुनील सोनी जी का विरोध किया। अरे भैया, आप अमर्यादित ढंग से वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सुन लेते, अगर सांसद जी से आपको बात करना था अंत में बात करते या प्रारंभ में बात कर लेते, वो भाषण के बीच में ही जाके बातचीत करना या उसी बीच में हंगामा करना, ये कौन सा मर्यादा है? ये कांग्रेस की मर्यादा चली आई है हर जगह अमर्यादित रूप से प्रदर्शन करना और असंवैधानिक रूप से प्रदर्शन करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। चलिए ठीक है राहुल जी, शालिनी जी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि वहां पे सब कुछ बहुत ही मर्यादित तरीके से हो रहा था, लेकिन शालिनी जी लगातार रफ्तार मीडिया भी वो तस्वीरें दिखाता रहा है। एक बार फिर से हम आप चाहें कि हमारे जो पीसीआर के सहयोगी हैं वो तस्वीरें एक बार फिर से सामने रखें, और लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जबरदस्त हंगामा चल रहा है। आप कहें कि सांसद सुनील सोनी जो है लगातार दिख रहा है तस्वीरों में कि वो किस तरीके से छात्रों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र है वो सुनने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं, लगातार हंगामा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शालिनी जी बातों को समझा जाए तो विरोध का तरीका होता है, क्या जरूरत ये नहीं थी कि सांसद के ऑफिस का घेराव किया जाता, सांसद के दफ्तर का घेराव किया जाता? इस तरीके से जब छात्रों से बातचीत करने की कोशिश चल रही थी, पूरे कॉलेज परिसर में हंगामा कर दिया गया, इसके पीछे का तर्क क्या बनता है? क्योंकि तस्वीरें जो है बहुत ज्यादा शर्मनाक नजर आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा शालिनी जी। मैं आपको बता देती हूँ, जब स्टूडेंट जाते हैं सांसद निवास में या उनके कार्यालय में तो उन्हें पुलिस बल द्वारा भगा दिया जाता है जी। तो इस एवज में आप क्या कहेंगे बताइए? उनके उनके लिए तो यही था ना कि जहाँ पे उनकी जनसभा चल रही है, जहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं, तो हम आमने सामने उनसे बात कर लेते हैं, हो सकता है हमारे समस्याओं का समाधान हमको मिल जाए। उन्होंने तो सिर्फ सवाल पूछा था कि आप 3 साल से कहाँ गए, आप हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आए, तो ये कौन सा अभद्रता वाला वर्ग है आप बताइए? नहीं, कुल मिला के शालिनी जी जो कहानी है ना वो आकर पूरी शैली पर आके अटक जाती है, क्योंकि बवाल काफी जबरदस्त हो रहा था, वहां पे और भी छात्र मौजूद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा बवाल हुआ है उसमें ना सिर्फ एनएसयूआई के लोग, बाकी के जो भी छात्र थे वो भी अफेक्टेड तो हो ही रहे थे ना, उनके तरफ से भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन कायदे से एक छात्रों का जो सिर्फ एक गुट है वही सिर्फ विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो बाकी के छात्र थे वो बड़े ही शांति से ये तमाम प्रकरण को देख रहे थे, इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज तो एनएसयूआई खुद अपने आप की बना रही थी। जरूरत यह था कि क्लासरूम से बाहर जब सांसद निकलते और तब विरोध प्रदर्शन किया जाता, तब अगर घेरा जाता, तब एक हो सकता था कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनकर आता, क्योंकि अब जिस तरीके से एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है, बीजेपी को तो ये बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, बीजेपी तो यही कहेगी कि गुंडों का दल हो गया है, बीजेपी तो सामने से आप एक तरीके से खुलकर कह रही है, ये तो अपनी बेइज्जती कराने वाली बात होगी ना शालिनी जी। तो सांसद साहब ने पहले ही कह दिया है स्टूडेंट को, इसी बात पे तो स्टूडेंट भड़के हुए थे कि सर हम कहां से गुंडा लगते हैं, क्या हम अपना सवाल नहीं रख सकते, क्या हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते आपसे, जब हम भटक रहे थे, जब ट्रेनें बंद हो गई, जब किसानों को 2500 मिल रहा है तब भी आप उनमें मूल इंडेक्स निकाल रहे हैं, ट्रेनें बंद हो गई थी उस समय आप कहां थे, हम कॉलेज जाने के लिए एडमिशन के लिए तरस रहे थे तब आप सांसद जी कहाँ थे, तो इस पर उन्हें भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट माइंड में ये रहता है कि अगर हमें सांसद जी मिले हुए हैं आज हम अपना पूरा सवाल इनसे पूछ के ही जाएंगे। लेकिन शालिनी जी एक और कहानी ये देखने को मिलती है, जब पुलिस थाने पहुंचते हैं तो वहां पर भी शांति नहीं रहती है, वहां पर भी और बवाल होता है, तस्वीरें सामने पुलिस थाने की भी आई है, किस तरीके से धक्का मुक्की चल रही है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। यकीनन अगर बीजेपी कह रही है कि बंगाल के रास्ते पर छत्तीसगढ़ जा रहा है, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बीजेपी के
सपोर्ट भी ये तस्वीरें एक तरीके से जवाब दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को तो मिलता नहीं है। शैलेश जी, आप छत्तीसगढ़ से ही हैं, क्या इस तरीके से थाने में जाकर हंगामा करना, ये तो महायुद्ध जैसी स्थिति नजर आ रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दोनों में से कोई शांत रहने के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या अच्छा नहीं होता कि उस पूरे विवाद को थाने के पास खत्म कर दिया जाता, इतने बड़े स्तर पर इस पूरे विवाद को नहीं ले जाया जाता? जी की बात है कि हमारे जो सांसद महोदय हैं वो खुद निष्क्रिय सांसद रहे हैं। ये हमारे बहुत ही शर्मनाक की बात है कि रायपुर को एक निष्क्रिय सांसद मिला हुआ है। न कभी वो चुनाव के बारे में बात करते हैं, ना ही वो लोकसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए कोई काम करते हैं। सवाल पूछे जाने पर तो वो ऐसा भड़क जाते हैं, वोट के डर से वो भाग ही जाते हैं, सिर्फ वोटिंग के समय आ जाते हैं और सवाल पूछो तो शालिनी जी अगर इस पूरे विरोध को देखें, शालिनी जी, तो क्या इस पूरे विरोध के पीछे आप बीजेपी को अहम वजह मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है नहीं कि एवीपी के भी जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो भी शांत रहे थे, उनके तरफ से भी इस पूरे विरोध को जबरदस्त हवा दी गई है। तो क्या आप मान के चल रहे, क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस पूरे हंगामे को एक भयंकर रूप देने के पीछे बीजेपी का हाथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के बीच में बीजेपी के लोग भी शामिल थे जी। इस आग को उन्होंने ही भड़काया था जी। मैं मुझे तो कहीं से भी एनएसयूआई का कोई भी कार्यकर्ता गाली गलौज करता हुआ नहीं नजर आया था। उनमें कहीं ना कहीं अविवादित तत्व भी शामिल थे जो इस आग को भड़काने का काम करे। लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है ना शालिनी जी, जिसमें देखने को मिल रहा है कि पूर्व एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई है जहां पर देखने को मिल रहा है कि एक मंत्री के जो बेटे हैं, सत्यनारायण शर्मा जी के बेटे पंकज शर्मा को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं। उनको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे विरोध को हवा दी है। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर वीडियो भी रिलीज किया गया है। वो तो सारे स्टूडेंट को जमा करके लेके आए हुए थे, वो तो स्टूडेंट के लिए लड़ रहे थे, वो हवा देने का काम कहाँ कर रहे थे जी। वो तो सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से सवाल कर रहे थे और मुद्दा उन्हीं के ऊपर बना दिया गया। तो शालिनी जी, इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा? क्योंकि बीजेपी तो शांत रहने के मूड में नजर आ नहीं रही है। यकीनन अब सामने विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी इसको इनकैश तो पक्का करने वाली है। लगातार आपके एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहने के लिए ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, लगातार ये चलती ही रहेगी। अब आगे कांग्रेस क्या करने वाली है? पहले भी लड़ रही थी, अभी भी लड़ेगी। हम लड़े हैं, जीते हैं और हमेशा जीतेंगे। बीजेपी का काम ही है मुद्दा बनाने का। वो एक बच्चों को गुंडा कह देने से मुद्दा कहीं पे खत्म नहीं हो जाता। बच्चों के मन में रोज तो रहेगा ही कि सांसद जी ने हमको गुंडा शब्द से उपाधि दिया है हमको, अब अगले चुनाव में इसका नतीजा खामियाजा बीजेपी भुगतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ में बवाल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बवाल के पीछे की वजह क्या है? सांसद सुनील सोनी जो है एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, इसी बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जबरदस्त तरीके से हंगामा चलता है। अब इस पर बीजेपी का यह कहना है कि इन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की है, गाली गलौज की है। तो इधर दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि किसी भी तरीके की अभद्रता नहीं हुई है, गाली गलौज नहीं हुआ है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ने इन्हें गुंडा कहकर संबोधित किया, जिसके विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया, उन्होंने हंगामा कर दिया। अब इस पूरे हंगामे की कहानी जो है यहीं शांत नहीं होती, आगे थाने तक ये पूरा हंगामा जाता है, जबरदस्त तरीके से बवाल होता है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें, किस तरीके से ये पूरा बवाल मचा, किस तरीके से दोनों ही जो पक्ष है वो हंगामा करने लग जाते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। तो ये छत्तीसगढ़ के युवा हैं, ये वो छात्र नेता हैं जो हो सकता है कि इनका भविष्य अगर उज्जवल रहा तो कल के विधायक, कल के सांसद बनेंगे, कल के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ को तय करने की जरूरत है कि क्या शांत रहने वाला छत्तीसगढ़ इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ को तय करने की जरूरत है कि इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इस तरीके से जो हंगामा हुआ है, क्या इस तरह के हंगामे की जरूरत छत्तीसगढ़ को है, या फिर अपने मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत है। इस खास पेशकश में